वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन राव का स्वागत है वीके न्यूज में। हाथ दे मासूम बच्चा और मजबूर बाप, पिता कहता रहा कि मत मारिए, बच्चे को लग जाएगा और गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले कहां सुनने वाले थे, वो तो खाकी पहने थे और हाथ में लठ था, जो गांधी जी के तीन बंदरों की तरह ना तो कुछ सुन रहे थे, ना ही कुछ देख रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, बस लाठियां बरसाई जा रही थी, एक के बाद एक किए जा रहे थे जनाब। ये भूल गए थे कि इनकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है। और जिस शख्स के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई, उसके गोद में बच्चा सो रहा था। एक मिनट से कम इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था, वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा था कि वो बच्चे को लग जाएगी, उन्हें ना मारे, लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और योगी इसकी खुद जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने अपने सफाई में कहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था, वह उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था, मतलब अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहा था। अब भैया तोड़फोड़ कर रहा था तो क्या बच्चे को भी आप मार देंगे? पुलिस ने यह लाठीचार्ज जिला अस्पताल के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया था। कर्मचारी हॉस्पिटल के बगल में चल रहे खुदाई का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसकी मिट्टी उड़कर पूरे हॉस्पिटल में भर रही थी। लेकिन इस दौरान बच्चे के लिए एक पिता पर जो पुलिस वाले ने कार्रवाई की है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान एक कर्मचारी रजनीश को पुलिस मारते हुए थाने भी ले गई। एसडीएम वगेश शुक्ला का आरोप है कि कर्मचारी सुबह से हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे थे, गेट बंद कर दिए थे, इसलिए एक कर्मचारी रजनीश को पकड़ कर ले गया। एसडीएम ये भी कहने से नहीं चूके कि लाठीचार्ज तो कहीं हुआ ही नहीं। प्रशासन का आरोप है कि हॉस्पिटल कर्मचारियों से मरीजों की परेशानी थी, ऐसे में उनका हटना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस के मुताबिक पहले बातचीत के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन जब बात नहीं मानी तब लाठीचार्ज कर दिया गया। मतलब साफ है, एक तरफ एसएचओ साफ कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया है कि लाठीचार्ज चुकी है और एक बच्चे को भी यहाँ पर बुरी तरह चोट लग सकती है। जिस तरह से एसएचओ साहब अपने रुतबे वर्दी का फायदा उठा के सरेआम आदमी और बच्चे को पीट रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे यहाँ पर योगी सरकार है, योगी सरकार इनको ऐसा तोड़ेगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।